नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते साल महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था, उसे एक तरह से चुनाव आयोग ने भी मान्यता दे दी। शिवसेना दो फाड़ तो महीनों पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे के पास न तो तीर कमान बचा और न शिवसेना नाम। ये दोनों ही अब शिंदे गुट के पास हैं, जिन्हें अब आधिकारिक रूप से शिवसेना कहा जा सकता है। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक करारे झटके की तरह है और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। लेकिन इस पूरी जद्दोजहद के बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि उद्धव ठाकरे कैंप ने नाम और निशान गंवाने के बाद शिवसेना का ट्विटर हैंडल और शिवसेना की वेबसाइट दोनों को ही डिलीट कर दिया है। ट्विटर हैंडल और वेबसाइट दोनों ही शिवसेना के नाम से थी, जिसे उद्धव ठाकरे कैंप हैंडल करता था। उद्धव कैंप ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ये कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना पार्टी के नाम और चिन्ह धनुष बाण पर एकनाथ शिंदे के दावे को मंजूरी देते हुए उनके गुट को ही असली शिवसेना माना था। इसके बाद ही ये बात सामने आई कि ठाकरे कैंप ने शिवसेना का ट्विटर हैंडल और शिवसेना की वेबसाइट दोनों को डिलीट कर दिया। उद्धव ठाकरे ने आयोग के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाया है, लेकिन साथ ही शिंदे गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियेट यानी कि विरोध पत्र दाखिल किया है, जिसकी खबरें भी इस वक्त काफी चर्चा में हैं। कैवियेट दाखिल करने का मतलब ये हुआ कि अगर चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाती है तो सर्वोच्च अदालत शिंदे गुट को बिना सुने कोई भी फैसला नहीं दे सकती। वहीं अगर संवैधानिक नजरिए से भी देखा जाए तो किसी भी राजनीतिक दल को चिन्ह अलॉट करना, उसे निरस्त करना या उसके नाम को मान्यता देना या फिर रद्द कर देना, ये सभी जो काम है ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और चुनाव आयोग खुद एक स्वायत्त संस्थान है। लिहाजा इस बात के आसार बहुत कम नजर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा और उद्धव ठाकरे को किसी तरह की कोई राहत मिल पाएगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शिवसेना का नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को अलॉट किए जाने के चुनाव आयोग के फैसले को आप कैसा मानते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।